अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आज बात करेंगे इमरान ख़ान के हवाले से और इमरान ख़ान के ऊपर जो मज़ीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से जो वाक़यात हमारे सामने आए उसमें इमरान ख़ान को नामज़द करने के लिए अब IG पंजाब या पंजाब हुकूमत की जानिब से उनके ऊपर जो है मुकदमात दर्ज करने के लिए या उनको 9 मई के वाक़यात में दर्ज मुकदमात में नामज़द करने के लिए एक और दफ़ा का इजाफा किया गया है और दफ़ा 34 के तहत अब उनको 9 मई के वाक़यात में नामज़द किया जा रहा है। अगर इस हवाले से तफसील से बात करें तो 9 मई के वाक़यात को गुज़रे तकरीबन 2 माह हो चुके हैं और उसके बाद आज या 2-3 दिन पहले जो है वो ये ख़बर सामने आती है कि IG पंजाब की जानिब से ये हुक्म दिया गया है तमाम पंजाब के पुलिस अफसरान को कि 9 मई के वाक़यात के तहत जितने भी जो मुकदमात दर्ज हुए थे ख़ास तौर पर उनमें इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और लाहौर, रावलपिंडी, इसके अलावा फैसलाबाद, मियांवाली समेत तकरीबन ये 40 के करीब मुकदमात हैं जो लोगों के ऊपर बनाए गए थे जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे और उनमें जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी के भी मुकदमात हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स हैं ख़ास तौर पर फौजदारी मुकदमात भी बनाए जा चुके हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर या जो उस वक़्त 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद थे उनके खिलाफ। तो अगर इमरान ख़ान के हवाले से बात की जाए तो 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में अगर हम देखें तो इमरान ख़ान के ऊपर डायरेक्ट इस तरह से जो है वो किसी केस में नामज़दगी नहीं थी सवाए एक लाहौर और रावलपिंडी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें इमरान ख़ान को नामज़द किया गया था, लेकिन क्योंकि उस वक़्त इमरान ख़ान जो है वो नैब की कस्टडी में थे जब 9 मई के ये वाक़यात हुए जिस दिन इमरान ख़ान गिरफ़्तार हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो तब उनके ऊपर ये जो मुकदमा थे ये बनाना जो था वो मुश्किल था क्योंकि मौके के ऊपर मौजूद नहीं थे और वो ख़ुद जो है वो एक रियासती अदारे यानी कि नैब के जो है वो गिरफ्त में थे उस वक़्त और उनकी तहवील में थे। इस वक्त इमरान ख़ान को इन तमाम मुकदमात में मुलव्वस करना या उनको इसका मुजरिम ठहराना जो है वो उस तरह से पॉसिबल नहीं हो रहा था या कि जैसे मैंने पहले बताया कि उनके ऊपर 2 मुकदमात एक लाहौर में जो कि ओवरऑल एक मुकदमा था दर्ज करवाया गया जिसमें इमरान ख़ान समेत तहरीक इंसाफ के जो बड़ी और आला क़्यादत थी वो नामज़द थी, उसके बाद रावलपिंडी में भी उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। तो अगर इन मुकदमात के हवाले से ख़ास तौर पर बात करें तो इमरान ख़ान के ऊपर आया कि इससे पहले भी जो है वो नैब के मुकदमात भी चल रहे हैं, इसके अलावा उनके ऊपर क्वेटा में जो एक वकील कत्ल हुआ था या एडवोकेट कत्ल हुआ था उसका भी मुकदमा इमरान ख़ान के ऊपर दर्ज है। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ का एक कारकुन ज़िले शाह जो लाहौर में कत्ल हुआ था उसका मुकदमा भी इमरान ख़ान के ऊपर दर्ज है और वो इन तमाम मुकदमात में जो है वो पेशियाँ भी भुगत रहे हैं और इंक्वायरियाँ भी भुगत रहे हैं। अब अगर बात की जाए ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात की तो 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पर पंजाब में जो है वो कमीशन भी तशकील दिए जा चुके हैं, JITs भी तशकील दी जा चुकी हैं और उनके ऊपर और वहाँ पर भी इमरान ख़ान जो है वो इंक्वायरीज़ में शामिल हो रहे हैं। अलबत्ता जो पंजाब में JIT बनी थी उसमें इमरान ख़ान को इतनी सहूलत जो है वो ज़रूर दी गई कि इमरान ख़ान वीडियो लिंक के ज़रिए या तहरीरी तौर के ऊपर जो है वो जवाब दें। अलबत्ता जो थाने या कचहरी के मामलात हैं उसमें इमरान ख़ान 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो अब तक नहीं गए थे। अब ये जो आर्टिकल 34 अप्लाई किया गया है इमरान ख़ान के ऊपर तो उसमें जो हैं वो इमरान ख़ान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव इमरान ख़ान के ऊपर होगा और अब तक की ख़बरों के मुताबिक जो रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात थे 9 मई के वाक़यात के हवाले से उसमें इमरान ख़ान का नाम जो है वो नामज़द कर दिया गया है। अब जो दफ़ा 34 है वो क्या कहता है इस हवाले से और दफ़ा 34 की अगर बात की जाए तो ये ख़ास तौर पर प्लानिंग के हवाले से है कि अगर कई अफराद जो है वो मिलकर एक जुर्म को प्लान करते हैं ख्वा उस जुर्म को करने में या उसको फुलफ़िल करने में बेशक प्रैक्टिकल तौर पर एक ही आदमी क्यों ना उसमें किरदार हो उसका या प्रैक्टिकली तौर पे मौके के ऊपर एक ही आदमी जुर्म क्यों ना करे, लेकिन उसकी जो ज़द में आएंगे उसके जुर्म में
वो तमाम लोग भी उसमें शामिल होंगे जो उसकी प्लानिंग में शामिल है। यानी कि अगर एक अकेला बंदा भी जुर्म करता है तो साथ में अगर कुछ लोग उसमें मौजूद होते हैं, क्योंकि इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि सेवरल पीपल्स, यानी कि सेवरल अब दो से ज़्यादा हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो जितने भी लोग उसकी प्लानिंग में शामिल होंगे वो तमाम तर उसी ऑफेंस का जो है वो मुर्तकिब होंगे जो उस बंदे ने डन किया, जो एक बंदा वहाँ पर मौके पर मौजूद था। मिसाल इसकी आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर एक बंदा जो है वो किसी को कत्ल कर देता है, तो जो उसकी प्लानिंग में लोग शामिल होंगे, अगर दफ़ा 34 शामिल की जाती है तो दफ़ा 34 के मुताबिक फिर ये होगा कि जिन तमाम लोगों ने उसके साथ प्लानिंग की तो उनके ऊपर भी दफ़ा 302 लगेगी, या वो भी जो हैं वो कत्ल के मुर्तकिब ठहरेंगे। अब दफ़ा 34 के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाए और इसको जो है वो 9 मई के वाक़यात के साथ अगर देखा जाए, तो 9 मई के जो वाक़यात हुए उसमें जो इस वक्त जो दफ़ात लगाई गई हैं गिरफ़्तार लोगों के ऊपर, या जिन दफ़ात के ऊपर जो है वो मुकदमात चल रहे हैं, अगर दफ़ा 34 को यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि इमरान खान के ऊपर भी वही मुकदमात दर्ज होंगे जो उस वक़्त वहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर दफ़ात लगाई गई, या इस जो 9 मई के वाक़यात थे उनमें मुलव्वस लोग जो इस वक्त गिरफ़्तार हैं, जो इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं, जो उनके ऊपर दफ़ात लगी हैं, तो वही जो हैं दफ़ात इमरान खान के ऊपर लगेंगी। और अगर 9 मई के वाक़यात के हवाले से अगर हम देखें तो जो दफ़ात इस वक्त चल रही हैं ख़ास तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, उन तमाम ज़्यादातर लोगों की समातें चल रही हैं, केस की समातें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो नाकाबले ज़मानत हैं। और अगर इमरान खान के ऊपर ये दफ़ात लग जाती हैं या दफ़ा 34 का इतलाक होने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो ज़ाहरी तौर पर इमरान खान गिरफ़्तार होते हुए नज़र आते हैं, और क्योंकि ये नाकाबले ज़मानत हैं इसलिए इमरान खान की गिरफ़्तारी इसमें हो सकती है। अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला है ख़ास तौर पर जो प्रोसिक्यूशन को पेश आ सकता है, वो ये है कि यहाँ पर ये साबित तो ज़ाहरी तौर पर करना पड़ेगा पुलिस को या प्रोसिक्यूशन को, अगर ये दफ़ात शामिल की जाती हैं पंजाब पुलिस की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़, तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो प्रोसिक्यूशन को और पुलिस को अदालत में साबित भी करना पड़ेंगी कि इमरान खान ज़ाहिरी तौर पर या प्रैक्टिकली तौर पर इन तमाम वाक़यात में मुलव्वस थे। और अगर उस हवाले से बात करें तो जो पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनान या रहनुमा ख़ास तौर पर गिरफ़्तार हुए थे, जैसे कि अगर हम मिसाल ले लें कि शाह महमूद कुरैशी जो थे वो गिरफ़्तार थे, तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत हुई तो वहाँ पर भी उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो उस वक़्त कराची में मौजूद थे, तो वो किस तरह फ़िज़िकली जो है या उस तरह 9 मई के वाक़यात में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जो उनके ख़िलाफ़ रावलपिंडी या इस्लामाबाद में मुकदमात दर्ज थे उनके वकील ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके जो क्लाइंट हैं यानी कि शाह महमूद कुरैशी, वो उस वक़्त कराची में मौजूद थे, इस्लामाबाद या रावलपिंडी में मौजूद नहीं थे। लेकिन ये जो दफ़ा 34 है, ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये ख़ास तौर पर प्लानिंग के हवाले से है कि अगर कोई बंदा जो है वो उस प्लान में शामिल हो तो उसके ऊपर भी वही दफ़ात लगाएंगी, और वो भी उसी जुर्म का मुर्तकिब ठहरेगा जो उस वक़्त मौके के ऊपर मौजूद लोगों ने उस वक़्त जुर्म किया था। अब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वाक़या है कि जो दफ़ा 34 है वो ख़ास तौर पर किसी लीडर के ख़िलाफ़ जो है या इतने बड़े सियासी जमात का जो लीडर है उसके ख़िलाफ़ जो है वो अप्लाई की गई हो। और ख़ास तौर पर अगर यहाँ पर हम देखें कि इन वाक़यात को तकरीबन 2 महीने गुजर चुके हैं 9 मई के वाक़यात को, उसके बाद अब ये शामिल की जा रही है, तो ये है तो ये पुलिस की सवाबदीद या प्रोसिक्यूशन की कि वो किस तरह, क्योंकि ये स्टेट इसमें इन्वॉल्व है और स्टेट ही इसमें मुदई है और पुलिस ही इसमें मुदई है, और पुलिस की मुदईयत में भी ही ये सारे जो हैं वो ज़्यादातर जो केस हैं वो दर्ज किए गए हैं, तो ये पुलिस इस प्रोसिक्यूशन को कैसे आगे लेकर चलती है, और इसमें इमरान खान की जो कानूनी टीम है वो भी ये चीज़ें सामने रख सकती है, और अदलिया भी या कोर्ट भी ये पूछ सकती है कि 2 महीने के बाद ये क्यों दफ़ात शामिल की जा रही हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन को देखें तो ज़ाहरी सी बात है ये जो
तमाम तर दफात हैं, ये सोच समझ के या आपस में कानूनी मामलात तय करके ही पुलिस या प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये सिफारशात दी गई होंगी शामिल करने के लिए। अब यहाँ पर ये भी बात जो है वो काबिले गौर है कि 2 या 3 दिन गुजर चुके हैं और अब तक क्या कुछ मुकदमात दर्ज हुए हैं इस हवाले से या नहीं। तो रावलपिंडी में जो मैंने पहले बताया कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी के ख़ास तौर पर, उनमें ये जो है वो दफ़ा 34 शामिल कर दी गई है और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हो चुका है रावलपिंडी में। अलबत्ता लाहौर, मियांवाली और फैसलाबाद में जो है वो अभी तक इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये मुकदमात या ये जो दफ़ात हैं अभी तक नहीं लगाई जा सकें। तो अगर हम आने वाले वक्त में देखें तो इमरान ख़ान के ऊपर पहले ही काफ़ी कड़ा वक्त है और वो पेशियां भी भुगत रहे हैं, ख़ास तौर पर नैब के हवाले से हों, लाहौर हाई कोर्ट में हो या इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, तो इमरान ख़ान जो हैं वो इस वक्त तमाम तर पेशियां भुगत रहे हैं, तमाम तर केसेस की पैरवी भी कर रहे हैं। तो ये इमरान ख़ान के ऊपर एक नया कड़ा वक्त साबित हो सकता है और इसमें इमरान ख़ान की मुमकिन तौर पर गिरफ़्तारी भी सामने आ सकती है। अब जैसे ही इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं और कम्पेन के जो हैं वो दिन शुरू होते जा रहे हैं, जो जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, तो साथ ही इमरान ख़ान के जो इम्तहानात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इमरान ख़ान के मौक़िफ़ की बात करें तो इमरान ख़ान कई बार ये कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे और वो पाकिस्तान में ही रहेंगे और वो अपने तमाम तर मुकदमात जो हैं वो उनका भी सामना करना करेंगे। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इमरान ख़ान कितने साबित कदम रहते हैं और ये जो तमाम तर मुकदमात ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से इमरान ख़ान के ऊपर अब दर्ज किए जा रहे हैं या जो दफ़ात एक्स्ट्रा शामिल की जा रही हैं या मज़ीद शामिल की जा रही हैं इसमें, तो ये आगे प्रोसिक्यूशन इसको कैसे लेके चलेगी या अदालतें जो हैं वो वहाँ पर किस तरह से जो हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होंगी ये दफ़ात, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।